दोस्तों नमस्कार, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 7 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए प्रश्न संख्या 7 क्या है देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो हमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे एक संख्या, आइए बड़ी संख्या मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या बराबर x, ठीक है। और छोटी संख्या को मान लेते हैं तथा छोटी संख्या बराबर y। तो हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या मान लिया है। अब यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया गया है, दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। तो संख्या दोनों क्या है, x और y है, तो वर्ग क्या है, वर्ग करना है इसे वर्ग, और अंतर है तो माइनस y का भी वर्ग, और बराबर 180 है। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है हमें छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। अब छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, वह स्क्वायर है, तो इसका वर्ग पहले से किया हुआ है, बराबर क्या है 8 गुना है, तो 8 बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो 8x हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया समीकरण दो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण एक दो का मान समीकरण एक में रखेंगे। लिखेंगे अब समीकरण एक का दो का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। समीकरण एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 180, ठीक है। यही है समीकरण एक। तो अब समीकरण दो क्या है, 8x है, इसका वाई स्क्वायर का मान लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 8x बराबर 180। इतना आ जाएगा और इसे सॉल्व कर लेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 8x और ये प्लस में 180 है तो इससे आएगा तो माइनस में 180 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए हमारा एक द्विघात समीकरण बन चुका है। यहाँ पे हम अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो आइए द्विघाती सूत्र, a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 8 और c बराबर हो जाएगा माइनस 180, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले d निकाल लेते हैं हम। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 180। सी का मान माइनस का 180 है तो 88 64 हो जाएगा माइनस, और ये 180 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा 64 प्लस 720 बराबर क्या आ जाएगा 784, ठीक है। अब हमारा डी का मान इतना आ चुका है। तो आइए हम आप मूल बराबर फॉर्मूला लगा के द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला होता है उसे लगाकर एक्स का मान निकाल लेते हैं। लिखेंगे मूल एक्स बराबर, ठीक है, क्या होता है सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी
बटे टू ए, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है, माइनस एट है, प्लस माइनस रूट अंडर 784 बट्टे टू इंटू ए का मान 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस, फिर यहाँ पे 784 का हम रूट निकालेंगे तो आएगा 28 बाय 2 ए है, ठीक है। अब इसे हम दो अलग अलग भाग में बांट लेंगे तो 8 प्लस 28 बटे 2 ए हो जाएगा और 8 माइनस 28 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 28 8 36 बटे 2 कट जाएगा तो 18, और ये आ जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा बटे 2 ए, तो ये कट जाएगा तो माइनस का 10 आएगा, जो हमें नहीं लेकर चलना है, अमान्य हो जाएगा, लिख देंगे अमान्य, ठीक है। अब देखिए x बराबर हमारा कितना आ चुका है, 18, ठीक है। तो अब x का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो आइए समीकरण 2 क्या है देख लेते हैं। समीकरण 2 है y स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। आइए यहाँ पे कर लेते हैं, क्या है, वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 18, ठीक है, और y बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, और इधर स्क्वायर था, स्क्वायर हटाए तो इधर रूट आ जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया छोटी संख्या, छोटी, और ये हो गया हमारा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आप सभी को सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।